हमीरपुर सर्कल में पिछले दिनों भारी वर्षा व बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई जल शक्ति विभाग की 117 पेयजल योजनाओं को बहाल कर दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से हमीरपुर शहर और सुजानपुर की पेयजल योजनाएं शामिल हैं। विभाग के अधीक्षण अभियंता नीरज भोगल ने बताया कि विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की कड़ी मशक्कत के बाद इन योजनाओं को 5 दिनों में बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजनाएं ठीक होने के बाद अब हमीरपुर जिले की सभी 174 पेयजल योजनाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। पीछे सर ये ब्यास रिवर में जो फ्लड आया, जो ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, उसके कारण हमारी जो ब्यास डुबी स्कीमें थी, जिसमें हमीरपुर टाउन भी एक मुख्य स्कीम थी, नदौन टाउन भी स्कीम थी, सुजानपुर टाउन और उसके अलावा जो विलेज की रूरल स्कीमें थी, वो हमारी इफेक्ट हुई थी इस फ्लड के कारण। तो हमारी जो टोटल स्कीमें इफेक्ट हुई थी वो 117 स्कीमें आउट ऑफ 174 जो इफेक्ट हुई थी, कुछ सिल्ट की वजह से थी और कुछ पाइप डैमेज होने की वजह से थी। तो उन स्कीमों को हमने 5 दिन के अंदर रिस्टोर कर दिया था। कुछ स्कीमें तो दूसरे दिन ही रिस्टोर कर दी थी, लेकिन जो हमारी हमीरपुर शहर की जो स्कीम थी, इसको रिस्टोर करने में हमें 5 दिन लग गए।